एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं सारिका द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो सभी लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप के साथ में, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बता दो एक बार से, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? सभी लोग एक बार से क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए इसे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल। अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर अगर आप फॉलो करते हैं आपको मेरी प्रोफाइल ऐसे दिखेगी, ठीक है, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं। ठीक है, क्या आवाज मेरी क्लियर है क्या, ये बताओ? हेलो, गुड इवनिंग रवि शंकर, जागृत, ओवेश धाकर, सभी का स्वागत है। एक बार से बताओ क्या मेरी आवाज क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है? देख सकते हैं आप सभी लोग मेरी प्रोफाइल, ऐसी आपको अनअकैडमी पर मिलेगी। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो करेंगे आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आपको सारी क्लासेस यहां पर आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस पर आपको कोड अप्लाई कर सकते हो मेरा अनलॉक करने के लिए सारिका लाइव। और रीजन यही होता है ये सारी क्लासेस अटेंड करने के लिए कि आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि जैसे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टीचर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आपको दी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस हैं आप स्पेशल क्लास पे जा करके अपकमिंग क्लासेस पे देख सकते हो, रिकॉर्डिंग सारे सेशन मिल जाते हैं, सारी चीजें आपको मिलती हैं। हेलो स्वप्निल, अंजलि, दीपा, रविशंकर, सभी का स्वागत है, बढ़िया है हम तो। सभी शेयर कर दो एक बार से, सभी लोग शेयर कर दो एक बार से, ठीक है। मेरी प्रोफाइल आपको ऐसी दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप DSSSB सुपरटेट KVS इनका अगर आप बैच ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सीटेट वाला आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 अगस्त से, ये ऑफर आपका 3 अगस्त से 7 अगस्त तक ही एप्लीकेबल होगा, तभी तक मिलेगा आपको। गुड इवनिंग अंजलि, हेलो स्वप्निल, गुड इवनिंग। प्लस के फीचर्स देखेंगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाता है प्लस पर, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, PDF नोट्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्लस के फीचर्स में आपको जो है आप अपने जिससे भी, इसमें बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको जिससे भी समझ में आते हैं आप उसकी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सभी से पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपको किससे पढ़ना है। जितना जो भी आपका एग्जाम होता है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका बहुत ही अच्छा ऑफर अनअकैडमी ने दिया है। आप इसे डायरेक्ट टीचर से ऑडियो बात भी कर सकते हो, ठीक है, आप टीचर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो बोल करके, ताकि अगर मान लो आपको रिटन वे में टीचर को नहीं समझ में आता है तो आपकी बात टीचर समझ ले। शेयर कर दो आप एक बार से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शेयर कर दो बस सभी लोग क्लास में। टारगेट आपका है 50+, 50+ आप शेयर कर दो, ठीक है, इसके आगे भी शेयर कर सकते हो। सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होता है, बैच कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, ठीक है। बाकी 6 महीने का, 12 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हो। इसमें
मेरा कोड यूज कर सकते हो सारिका लाइव, सारिका लाइव यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। एक बार से शेयर करो, जब तक हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं आप शेयर कर दो, सभी को ले आओ। अच्छा बहुत बढ़िया कि आप पढ़ने आ गए। तो DSSB सुपरनेट KVS NVS इनका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, इस पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। सारिका लाइव मेरा कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट ले लो। ठीक है, शेयर करो, आज मैक्सिमम शेयर करो। 100 कर दिए हैं, चलो बढ़िया है, 100 लोग तक पहुंचा दो। यूपी टेट का आपका कोर्स 4 अगस्त से स्टार्ट, कहाँ चला गया कोर्स? यूपी टेट का आपका कोर्स जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। अच्छा अच्छा 7 बजे से क्विज कर लेना। MPTET का कंप्लीट बैच कोर्स आपका 31 जुलाई से, महामैराथन MPTET का आज से आपका स्टार्ट हो गया, 5 से 15 अगस्त तक ये चलेगा। बाकी MPTET की क्लासेस आपकी 31 जुलाई से चल रही है। DSSB का कंप्लीट बैच कोर्स आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। UPTET का गुड इवनिंग कीर्ति, बहुत बढ़िया, शेयर कर दो, शेयर कर दो। बिल्कुल 6 महीने का लेते हो तो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 6 महीने का ले लो, 12 महीने का ले लो। और हम बता दें आपको, अगर आप 6 महीने का लेते हो या 12 महीने में, इस पर फीस कम होती है, इस पर फीस कम होती है, इस पर ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, सभी थम्सअप कर दो एक बार से, सभी लोग एक बार से थम्सअप कर दो। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन सीरीज को, और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दो। सभी बताओ तो फिर स्टार्ट करें। चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे। शांत घाटी कहां पर स्थित है? शांत घाटी कहां पर स्थित है ये कौन बताएगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करते जाओ। 40+ क्वेश्चन है आपका, 40+ क्वेश्चन मिलेंगे तो क्लास में वॉचिंग भी 40+ होनी चाहिए, है ना? ए इज द एब्सोल्युटली राइट। उत्तराखंड में शांत घाटी पूछी गई है भाई, आयुष शांत घाटी पूछी गई है। शांत घाटी कहां पर स्थित है? लो पहला ही क्वेश्चन सबने गड़बड़ कर दिया, मतलब हर बात में फूलों की घाटी का आंसर देना है। कुछ भी पूछो हम तो उत्तराखंड बताएंगे। फूलों की घाटी आपकी कहां पर स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, केरल में शांत घाटी स्थित है, बी वाला ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी स्थित है? जम्मू कश्मीर में मरखा घाटी, मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुड इवनिंग आरजू, सभी का स्वागत है क्लास में। 40+ क्वेश्चन होंगे, 40+ वॉचिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, शेयर कर दो सब लोग, मैक्सिमम शेयर कर दो, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक पहुंचा दो। बाकी ये देखो, केरल की शांत घाटी जैव विविधता भी यहाँ पर बढ़िया सी देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, शांत घाटी केरल में स्थित है, जैव विविधता देखने को मिलती है। कहां पर? पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। गुड इवनिंग कादम्बिनी, पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बताओ जल्दी से, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, बताओ कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपकी कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर में नहीं भाई, शांत घाटी में। जो लोग भी लगा रहे हैं कश्मीर, गलत लगा रहे हो, जो भी कश्मीर कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, शांत घाटी में। अभी हमने आपको बताया, अभी हमने आपको बताया शांत घाटी में जैव विविधता केरल में पाई जाती है। ये देखेंगे, देखो जैव विविधता का क्या मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, जहां पर सभी जीव निवास कर सकते हैं पूरी तरीके से, बढ़िया पर्याप्त मात्रा में। क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है।
ये देख लो आप एक बार से, दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक मात्रा में देखी जाती है। और जैव विविधता देख रहे हो भूमध्य रेखा के आसपास में जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं यहां पर आपको जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्रियांशी, शेयर कर दो बस एक बार से। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप, गंगा का मैदान, मध्य भारत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड इवनिंग शिवानी कौरव, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर करो एक बार से। जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए वाला आंसर। बहुत कम आंसर आ रहे हैं, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हो, सभी लोग आंसर करो। कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग ही सी बता रहे हैं। भारत में कितने हॉट स्पॉट स्थल है? ये बताओ। बाकी अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थल है, कौन कौन से है पूछा जाए तो क्या लगाओगे? कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आयुष, करो आंसर। ये देखो, एक तो आपका यहाँ पर हिमालय में हिमालय जैव विविधता, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इंडो बर्मन, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो इंडो बर्मन हो जाएगा। फिर आपको एक देखने को मिलता है पश्चिमी घाट, ये आप पश्चिमी घाट, और एक ये अंडमान निकोबार में सुंडालैंड, तो ये हमारे चार हमारे जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सही, सुंडालैंड, हिमालय, इंडो बर्मन और वेस्टर्न घाट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर बताया है 40+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, शेयर भी कर दो, 40+ तो एटलीस्ट करो ही शेयर, ठीक है। क्लास में वॉचिंग भी रहो, लाइव भी रहो। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? संकटापन्न कौन सा हो जाएगा? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पीजियन या फिर इंडियन सनबर्ड, बताएं इसका आंसर, बताओ। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? अत्यधिक संकटापन्न किस्म कौन सी हो जाएगी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावण कहा जाता है, बहुत बढ़िया। ए ने बताया इसी को गोंडावण भी कहा जाता है। ये कहां का राज्य पक्षी है? ये देख रहे होगे, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है। ये शुतुरमुर्ग के जैसा दिखता है, इसकी गर्दन की वजह से शुतुरमुर्ग जैसा ये दिखाई देता है। कहां कहां पर पाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान, गुजरात, यहां पर देखा जाता था। संकटापन्न हो रहे थे जिसकी वजह से इसको राज्य पक्षी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, आगे चले। क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, ब्लैक कलर है क्या, नहीं दिख रहा है क्या? भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक दवा, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? क्या हो जाएगा? जानवरों को दर्द निवारक दवा, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, दर्द निवारक दवा हो जाएगी। और कौन सी दवा दी जाती है? डिक्लोफेनिक, बहुत बढ़िया शिवानी, डिक्लोफेनिक।
ठीक है, बाकी इसी वजह से क्योंकि गिद्धों की संख्या में कमी आ रही थी 2008 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं मजा आ रहा है, चलो शुक्र है, 2008 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इनकी गिरावट जो है डिक्लोफेनिक दवा की वजह से हुई है, क्योंकि दवा दर्द निवारक लिए दिया जाता था, वो जब जानवर मर जाते थे तो उनको ये खा लेते थे। चलो गुड इवनिंग, अपना टाइम आएगा, नाम भूल गए, अपना टाइम आएगा, क्या नाम था तुम्हारा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था ये बताओ, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, सभी लोग आंसर करेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1943, 1944, 1945, 1946, कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 1946 में, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, सभी लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आवाज लगा रहे हो सभी आंसर, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जिसका मुख्य पूरी तरीके से उद्देश्य क्या था, भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना, भारत में पूर्ण स्वराज लाना कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य था, ये संविधान बनवाने के लिए आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था वो कौन सा अखबार था, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ, द कलकत्ता बजट, द मद्रास बजट, द ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कोलकाता, या फिर द बंगाल गजट। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ कौन सा अखबार था, ये जो भारत में प्रकाशित हुआ आंसर बताया जाए, लिखा किसने था, द बंगाल गजट, किसके द्वारा लिखा गया था ये बंगाल गजट, पहला अखबार द बंगाल गजट किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसको लिखा गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, कहाँ पे प्रकाशित किया गया था, कोलकाता में शुरू किया गया था, ये कहाँ शुरू किया गया था, कोलकाता में शुरू किया गया था, डेट क्या थी, 29 जनवरी 1779। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में शुरू किया था। हाँ, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आ गया है, अब आगे अखबार की तरफ बढ़ो। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता से शुरू किया था बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था ये बताओ, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो तुम्हारा पीछे चल रहा है, रिफ्रेश करो, वीडियो तुम्हारा पीछे चल रहा है, रिफ्रेश करो एक बार से। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। मीर कासिम, सभी बताओ, सिराजुद्दौला, और बताओ, आयुष ने सी बताया है, दीपा ने सिराजुद्दौला, पूनम सिराजुद्दौला, शिवानी सिराजुद्दौला, भाई सिराजुद्दौला बिल्कुल सही आंसर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये बताओ, प्लासी का युद्ध हुआ कब था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हुआ कब था ये बताओ, प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, और भारत की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। जीत तो जाते हैं सिराजुद्दौला, पर जो है ना इनको धोखा मिल गया था, ठीक है, इनको धोखा मिल गया था जिसकी वजह से हार गए थे ये। प्लासी नामक जगह में हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, चलो आगे चलेंगे। ये देखो, मीर जफर में क्यों हार गए थे, रीजन यही था, मीर जफर ने विश्वासघात किया था, रीजन यही था, मीर जफर ने विश्वासघात किया था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। जब ये युद्ध हुआ था इनकी उम्र मात्र और मात्र 24 साल की थी, सोचो कितने महान लोग थे, और अब के 24 साल बीत जाते पता भी नहीं चलता है। कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थे कि नहीं थे तब,
पढ़ना पड़ेगा। मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है? कॉपी पेस्ट वालों को भगवान बुद्धि दे। हाँ, मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है ये बताओ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उन्हें प्रोत्साहन देना, एकता को बढ़ावा देना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल कर्तव्य के तहत क्या नहीं आता है? और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सभी लोग वीडियो को शेयर करो भाई, वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। आज बहुत कम लोगों ने शेयर किया है, आज किसी ने शेयर किया है, बहुत कम लोगों ने शेयर किया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला। बहुत बढ़िया, मौलिक अधिकार है भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है? सभी बताओ, सारी चीजें बताओ। मौलिक कर्तव्य आपका रशिया से लिया गया है, रूस यूएसएसआर से लिया गया है। ये भी आपका ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। इसका वर्णन भाग चार का में किया गया है, वर्णन भाग चार का में किया गया है। ये देखो, जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, बाद में आए स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आए हुए हैं, जिसमें कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक जोड़ दिया गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। माता पिता द्वारा या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह आपका पूछ लिया जाता है सीडीपी में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सीडीपी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। बाकी ये वाले हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। जब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है। आ गई बात समझ में? तो आगे चलते हैं, सभी थम्स अप करो तो फिर आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। थम्स अप करो सभी, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं। बताया जाए इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या हो जाएगी? डी वाला, नो लिमिटेशंस, कितनी भी हो सकती है, सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ये बताओ। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? पच्चीस वर्ष होनी चाहिए। आगे बात समझे, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये देखो कुछ डेट्स लिख दी गई, मतलब कुछ एज लिख दी गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति के लिए 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का ही मेंबर होता है ना पीएम, तो पीएम की भी उम्र कितनी हो गई? 25 वर्ष। आ गई बात समझ में। आगे चलेंगे आगे की तरफ। हेलो जय सिंह राज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। सभी लोग शेयर कर दो एक बार से क्लास को, एक बार से सभी लोग शेयर कर दो। निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए।
इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, कोई मतलब नहीं, सभी आंसर बताते रहो। उड़ी बाबा यहाँ है, अभी मोदी जी से बाहर आ जाओ, यहाँ पे आंसर करो। इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, जो अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, सदन के 100 सदनों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन सा वाला होगा? आरजू ने डी बताया है, और बताओ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम लेकर के आए हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी वाला आंसर सही है, सी वाला। भाई सभी लोग क्लास पर फोकस करेंगे, कौन क्या बना कौन क्या नहीं बना उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सदन के 50 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलता है, 50 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलता है, आगे बात समझ में, 50 सदस्यों द्वारा, बाकी सब कुछ सही है। कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए, इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और इसके में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। चलो भाई आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? राष्ट्रपति ने कितनी बार, आप सभी लोगों की अनअकैडमी शिक्षा का दूसरा वाला यूट्यूब चैनल है, उसमें 8 बजे आपकी क्लास होगी, 8 बजे क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा घोषित किया है? 3 बार किया है, आ रही बात समझ में, 3 बार, अब तक 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मलक्का जल डमरू मध्य मलक्का जल संधि किन 2 भागों को अलग करता है? मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 भागों को अलग करता है? मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप, सुमात्रा। शानू वर्मा वो वाली क्लास मेरी अनअकैडमी शिक्षा के दूसरा यूट्यूब चैनल है, नया यूट्यूब चैनल, ठीक है, नया यूट्यूब चैनल है, वहां से ज्वाइन करो। मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 भागों को अलग करता है? मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच, सुमात्रा, अफ्रीका और यूरोप, भारत और श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा ये बताया जाए। तो किन 2 भागों को अलग करता है? तो मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के द्वारा सुमात्रा को, का द्वीप सुमात्रा उसको अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 भागों को अलग करता है? मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। ये देखो, ये यहां पर, ये मलक्का जल संधि, मलक्का जल डमरू मध्य सुमात्रा तथा मलाया प्रायद्वीप को एक दूसरे से अलग करने वाला जल डमरू मध्य, जो दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को आपस में मिलाता है। ये देखो यहां से और इधर, ये हिंद महासागर, इनको आपस में मलक्का जल संधि मिलाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 शेयर करो, पहले तो मैक्सिमम शेयर करो, जितने लोग भी हो सभी लोग लाइक भी कर दो, लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम जितना कर सकते हो आप। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ यहाँ है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बताओ इसका आंसर। विशालतम समुद्र तट आपको कहां पर देखने को मिलता है? हेलो अपेक्षा, नमस्ते। भारत में विशालतम समुद्र तट आपको तमिलनाडु में, गुड इवनिंग अतुल, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, सी वाला आंसर सही है। विशालतम समुद्र तट आपको तमिलनाडु में, ये देख रहे हो ये वाला एरिया, ये विशालतम समुद्र तट देखने को मिलता है, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सभी शेयर करो एक बार से, सभी लोग मैक्सिमम शेयर करो, और भी अपने फ्रेंड्स को, सभी को लेकर के आओ, बहुत कम लोग हो अभी,
अभी तो बहुत कम लोगों, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। इतने कम लोग रहोगे, डेली रहोगे तो फिर क्या बात होगी, कहां तक जाओगे फिर? इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताओ। महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है। ये बताओ क्लास कैसी लग रही, पहले तो ये बताओ एक बार से। अगर क्लास अच्छी लग रही तो शेयर क्यों नहीं किया, लोग इतने फिर कम क्यों है क्लास में? अगर क्लास अच्छी है तो फिर शेयर क्यों नहीं किया है, और फिर शेयर भी किया है तो कम लोग क्यों है क्लास में, ये भी बताया जाए। गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग विशालतम समुद्र तमिलनाडु में, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताया जाए, कौन सा वाला कथन सही है? अभी तक आंसर सही नहीं है, दुर्गेश का आंसर डी दे रहे गलत है, अतुल ने सी बताया है। कौन सा? महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये देखो महादेव पहाड़ियां मैकाल श्रेणी मैकाल पहाड़ी इनके पश्चिम में है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही है? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन सही है, महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। हमने आपको बता रखा है कि इनका सीक्वेंस याद कर लो आप सभी, इनका पहाड़ियों का सीक्वेंस याद कर लो। सबसे पहले कौन पड़ता है, फिर किसकी श्रेणी है, फिर किसकी श्रेणी है, क्या आता है? एमपी के पास में है, ये देखो अरावली पर्वत, ये हमारा अरावली पर्वत है। फिर आपका राजपीपला श्रेणी पड़ता है, ग्वालीगढ़ श्रेणी पड़ता है, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, मैकालू श्रेणी, ठीक है, बघेल खंड का पठार इधर पड़ता है, ये अरावली पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के पास में महादेवी पर्वत है, महादेव की श्रेणी। आ रही बात समझ में? किसको किसको चीजें समझ में आ रही है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला सतपुड़ा श्रेणी के मध्यवर्ती भाग का निर्माण करती है। ये पहाड़ियां महाकाल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? नहीं दिख रहा है क्या ये बताओ एक बार से? जिसको भी दिख नहीं रहा क्वालिटी को बढ़ा लो, क्वालिटी को बढ़ा लो। साइड में तीन ऑप्शन आते हैं, तीन पॉइंट ऐसे करके आते हैं, आप इसे क्लिक करोगे तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी पे आप एडवांस पे जाओगे, एडवांस पे 480, 720, 360 जो भी सिलेक्ट करोगे उससे आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगी। बारहमासी नदी किसको कहा जाता है? बारहमासी नदी कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई बारहमासी नदी? प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र बारहमासी नदी किसे कहा जाता है? दुर्गेश गोदावरी बता रहे हैं, ओवेश धाकड़ गोदावरी बता रहे हैं, एकमात्र बारहमासी नदी क्या हो जाएगा? खिसक गया तो कावेरी नदी है भाई, किसमें? कावेरी नदी है, कावेरी ये क्वेश्चन नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें भीमा बताएं, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है। कावेरी नदी है जो कि एकमात्र बारहमासी नदी है, भीमा दूसरी नदी है, ये इस पे नहीं है आंसर, ये रही कावेरी। बारहमासी नदी जो है कावेरी को कहा जाता है। काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा कला उत्सव के शहर में आयोजित किया जाता है, ये बताओ। काला घोड़ा, काला घोड़ा कला उत्सव के शहर में आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर मुंबई? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर मुंबई, क्या होगा इसका आंसर? काला घोड़ा उत्सव ने आपको बताया था मेला जैसे लगता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा उत्सव शहर जो है
मुंबई में आयोजित किया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है भाई। ये देखो ऐसे काला घोड़ा यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है और अंदर एक मेला आयोजित किया जाता है। ये जो है मुंबई में होता है, एक वार्षिक कला है। ये वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है, मुंबई शहर में आयोजित होता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयंबटूर, सलेम, तंजावुर या फिर मदुरई? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दो एक बार से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयंबटूर को कहते हैं, कोयंबटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं वो भी बताओ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हेलो स्वाति, कानपुर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहते हैं। ये देखो बाकी पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो गुजरात के शहर अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयंबटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहते हैं। आगे बात समझ में, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्लूटो की खोज किसने की थी, प्लूटो की खोज किसने की है? जिम मैक्सवेल, टीम हीरमैन, माइन केट बोरो, क्लाइड टोबो। प्लूटो की खोज किसने की थी, प्लूटो की खोज किसने की है ये बताओ। गुड इवनिंग, कौन आ गया, क्यूट बॉय, गुड इवनिंग। प्लूटो की खोज किसने की है, प्लूटो की खोज किसने की है, प्लूटो की एक क्लाइड टोबो ने करी है। आए बात समझ में, क्लाइड टोबो ने प्लूटो की खोज की है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्लाइड टोबो। आई बात समझ में, क्लाइड टोबो ने प्लूटो की खोज की है। विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की है, आप लोग इनको ढूंढ रहे थे ना, चलो पूछ लेते हैं, विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की है ये बताओ। बहुत बढ़िया वंदना, विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की है, अपेक्षा ने आंसर किया है, और बताओ। अरुण ग्रह की खोज, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की है, पर प्लूटो का पूछा गया है, क्लाइड टोबो हो जाएंगे। ये देखो इनको बाहर दिया, बाहर हटा दिया गया है। प्लूटो जो है ना दूसरा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह, बौना ग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, तो एरिस, सबसे बड़ा बौना ग्रह एरिस है। दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह तो प्लूटो हो जाएगा, दूसरे नंबर पर प्लूटो आता है, पहले नंबर पर एरिस आता है। आई बात समझ में कि नहीं? और सौर क्या है, मेरा आंसर कोई कॉपी क्यों नहीं करता मैम? अच्छा क्या हो जाएगा, मंगल बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और प्लूटो को तो बाहर ही निकाल दिया गया। तुम्हारा आंसर कोई नहीं कॉपी कर रहा है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? ये बताया जाए, इसका आंसर बताओ। महाराष्ट्र में स्थित चट्टान अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? सिख धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं? महाराष्ट्र में स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म, और कल हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, नाम बताओ। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है, गौतम बुद्ध ने स्थापना करी है, गौतम बुद्ध ने स्थापना करी है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है चलो आगे की तरफ चलेंगे। ये देखो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित
तकरीबन 29 चट्टानों को काट करके, 29 चट्टानों को काट करके बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार से शेयर तो करो भाई, एक बार से सभी लोग शेयर करो। ये बताओ किसको किसको नए अनअकैडमी के नए चैनल के बारे में नहीं पता है, अनअकैडमी के नए चैनल के बारे में किसको किसको नहीं पता है। सभी लोग 8 बजे ज्वाइन करेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग वहां पर 8 बजे जो कि सेशन होगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, नहीं पता है, जा करके सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। आप इसी के ही आप जो है पता है क्या, आप जैसे जो जो आप साइट खोले हुए मतलब जो भी पेज ओपन है इसी के जहां से सब्सक्राइब करते हो ना, अनअकैडमी शिक्षा पर क्लिक करोगे उसके सबसे नीचे देखोगे फीचर्ड में लिखा होगा अनअकैडमी शिक्षा DSSSB KVS सुपर टेट NVS APS ऐसे करके लिखा होगा। 213 सब्सक्राइबर्स है उस पे और जाके उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहीं पर मेरी 8 बजे क्लास होगी, आई बात समझ में, वहीं पर मेरी 8 बजे क्लास होगी। और प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है, ए वाला आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। ये देखो एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, ठीक है, जिसका कहाँ पर शुरुआत करी गई थी, कहाँ पर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, बाद में इसको 2009 में बंद भी कर दिया गया था। चलेंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताया जाए इसका आंसर। बफरिंग हो रही है, रिफ्रेश करो एक बार से, रिफ्रेश करो एक बार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखेंगे, ये देखो भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे कौन बने वो भी राजेंद्र प्रसाद, तीसरे कौन बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवे बने वीवी गिरी, छठवे बने फखरुद्दीन अली अहमद, सातवें बने नीलम संजीव रेड्डी, आठवें बनी ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा दसवें बने थे, ग्यारहवें बने KR नारायण, बारहवें बने APJ अब्दुल कलाम, तेरहवें बने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चौदहवें बने प्रणब मुखर्जी, उसके बाद में वर्तमान में कौन है बताओ जल्दी से, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताओ वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, शेयर करना है मैक्सिमम। मनु त्रिपाठी क्या हो गया, मतलब ऐसे आंखें क्यों निकाल रही, क्या हो गया, मतलब रामनाथ कोविंद जी है वर्तमान में, रामनाथ कोविंद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, गुड इवनिंग जूही शर्मा, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जूही, एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ में जूही ने एंट्री करी है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, भाई क्लास का नाम तेजस है तो तेजस उड़ती है ना फिर तो अपनी, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार बहुत तेज चलती है, चाहे उड़ा लो उसको चाहे ट्रेन चलवा लो, कहां पर, गुड इवनिंग मनु, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, ये देखो लाल मिट्टी, ये रही लाल मिट्टी, ये रही लाल मिट्टी, आपको कहां नजर आ रही है, ये कहां नजर आ रही है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैप में भी देख सकते हैं, हाँ मैप में भी, ये देखो
ये जहां यहां पर भी ये आपको रेड मार्क दिख रहे हैं सब, यहाँ पर क्या है, लाल मिट्टी है। ये वाली कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। भाई बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो सभी, अब लग रहा है कि हाँ एक्टिव हो पूरी तरीके से। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन पटन। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, सोन कोसी गंडक मयूराक्षी, सोन कोसी गंडक मयूराक्षी। बहुत बढ़िया, हमें लग रहा है मेरा कमेंट फिर आगे पीछे चल रहा है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, गंडक से पानी आता है। बहुत बढ़िया, गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, गंडक से पानी आता है। ये देखो त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में संचार सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जिसमें कि गंडक से आता है। गंडक परियोजना भी है, गंडक परियोजना भी है, आपको पता होगा यूपी बिहार के मध्य में। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, 40% या फिर 33%। न्यूनतम वन आवरण कितना है, संपूर्ण उसका कितना होना चाहिए, तो संपूर्ण भूमि का 33% वन होने चाहिए, संपूर्ण भूमि का 33% वन होने चाहिए। बहुत बढ़िया, इनका स्वप्निल का पीछे चल रहे हैं हमें लग रहा है। 33% वन होने चाहिए, देख लो हरा भरा हमारा आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर आधारित है, बताओ। दुलहस्ती पावर स्टेशन, दुलहस्ती पावर स्टेशन में निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर आधारित है, व्यास चिनाब रावी सतलुज, व्यास चिनाब रावी सतलुज, बताया जाए इसका आंसर। दुलहस्ती पावर स्टेशन में निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर आधारित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब, बताया है चिनाब नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं बनाई गई है, चिनाब, बगलीहार है ना, सलाल और दुलहस्ती, ये सभी हमारी चिनाब नदी पर बनाई गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर, ये देख लो ऐसा है हमारा चिनाब। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। 27, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात, पायकारा प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर स्थित है, कौन से प्रपात पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पे, जोग प्रपात, शिव समुद्रम, जोग का पुराना नाम गरसोप्पा भी कहा जाता है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। ये देखो महात्मा गांधी जल विद्युत पर उत्पादन प्लांट कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जल प्रपात स्थित है, यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन का, जल द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसका प्लांट लगाया गया है, 6.7 मेगावाट उत्पन्न किया जाता है। जोग जल प्रपात को महात्मा गांधी जल प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, शरावती नदी पर बनाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां गंगा महानदी नर्मदा, गंगा कृष्णा, गंगा तापी, कावेरी गंगा महानदी, नर्मदा तापी कृष्णा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, तो कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल, ये क्या लिखा है, कावेरी, सही तो है।
ठीक है, क्या हो जाएगा? कावेरी गंगा महानदी। चलो भैया आगे चलेंगे, आगे अपनी अपना रथ लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला बताया जाए कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। सभी लोग शेयर कर दिया करो, कहाँ चले जाते हो सभी, सब कहाँ गायब रहते हो क्लास के टाइम पर? आपको दो क्लासेस दी जा रही है, एक 6 बजे एक 8 बजे यूट्यूब पर, बेहतरीन सेशन हो रहे हैं। आप EVS और जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा सीख सकते हो। ज्वाइन किया करो, शेयर भी किया करो, इतना तो क्लास के लिए किया करो ना। सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, सबरीमाला आपका कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों में मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों में मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर सिक्किम। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो वो देश है हमारा, या वो राज्य है हमारा, वो राज्य है सिक्किम। राज्य है सिक्किम आपका। आगे बात समझ में? 30 क्वेश्चन ही रखते हैं आज 30 क्वेश्चन ही रखते हैं। बताओ सभी लोग क्लास कैसी लगी? सभी बताओ आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी है? ऐसे ही आपको पोल के माध्यम से आंसर करवाए जाते हैं। पोल के माध्यम से आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अनअकैडमी। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करो पहले, तो वहां पर मेरा नाम सर्च करके फॉलो करो हमें। फॉलो करने के बाद में आप मेरी प्लस वाली क्लास का जो होंगी आगे वो देख लोगे, जो हो चुकी है उसे भी देख सकते हो। बाकी मेरी स्पेशल क्लासेस, शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर करवाते हैं 4 बजे डेली, जूनियर एडेड का पेपर 1 बजे दोपहर में होता है, EVS की तेजस सीरीज आपकी सुबह 11 बजे होती है। ये सारी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली, बिल्कुल फ्री, वो भी मतलब कोई कॉस्ट जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ज्वाइन कर सकते हो। और उस पर अनलॉक करने के लिए बस मेरा अगर कोड आता है, अनलॉक करने के लिए कोड, तो मेरा कोड सारिका लाइव यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ मैम आज हम अपनी उपस्थिति, बहुत बढ़िया, बाकी अभी धन्यवाद। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। तो आज के लिए बताओ जल्दी से क्लास कैसी लगी? जो सब्सक्रिप्शन चाहते हैं वो DSSSB का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। DSSSB का लेने पर उनको जो है 12 महीने का सीटेट वाला बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 अगस्त से 7 अगस्त तक ऐसा है। अब बताओ क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ। कौन था 30 में 30 वाले, कौन है? अब आपको 8 बजे एक क्लास मिलेगी, 8 बजे 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास। क्लास कैसी लगी सभी लोगों को 8 बजे जरूर से ज्वाइन करना। ठीक है, सभी लोग शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और वो बिल्कुल नया चैनल, आप उस पे सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ठीक है, यहीं पर आप अनअकैडमी शिक्षा पर ही क्लिक करोगे, सबसे नीचे जाओगे तो अनअकैडमी शिक्षा DSSSB NVS सुपर टेट, ये है चैनल का, नया वाले चैनल का नाम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे 8 बजे वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक लाइक कर दो, जितने लोग भी हो लाइक कर दो भाई। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं 8 बजे, सभी लोग प्रेजेंट रहना वहां पर, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है वहां पर। थैंक यू।